हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहित बलानी एंड आप देख रहे हैं ऑटो फाइल्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ होंडा की वन ऑफ द टॉप सेलिंग एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार, होंडा अमेज। एंड स्पेशली ये इसका एस वेरिएंट है। तो अगर अपन वेरिएंट्स की बात करें तो बेस के ऊपर आता है ये एंड टॉप से दो मॉडल नीचे आता है। वैल्यू फॉर मनी इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, LED DRLs, जो मिरर है इसके, पावर फोल्डिंग एंड पावर एडजस्टेबल है। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करके टॉप में जाएं। डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लें तो 7,87,000 एक शोरूम, तो मोटा मोटी 9.25 से 9.5 लाख आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। डिपेंड करता है आप कौन से शहर और कौन से स्टेट से। एंड थोड़ा सा फ़र्क प्राइस में इसीलिए आता है क्योंकि RTO और टैक्स जो होती है वो अलग अलग स्टेट की डिफरेंट होती है। तो एक्स्ट्रा अगर चीज़ें आप नहीं लेते हैं तो लगभग 9.5 के आसपास पड़ जाएगी। 9.5 लाख में सब कॉम्पैक्ट सेडान। कंपटीशन की बात करें तो इसमें डिज़ायर आ जाती है जो इसका मेन कॉम्पिटिटर, लेकिन सेल्स की बात करेंगे तो लगभग टक्कर चलती है दोनों की। ये इसका जो है ब्राउन मेटालिक गोल्डन कलर है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है अमेज में ये वाली शेड। तो फ्रंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LED DRLs आ जाते हैं इस वेरियंट में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर एंड हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं। लैम्प की थ्रो की बात करें काफ़ी अच्छी है, नाइट ड्राइविंग बहुत अच्छी है इसकी, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी स्लीक इसका डिज़ाइन है। सामने से आप देख सकते हैं बोल्ड क्रोम स्ट्रिप्स हैं, यहाँ नीचे में भी आपको क्रोम मिल जाता है फॉग लैम्प्स के सराउंड के पास। लैम्प्स आते नहीं हैं, एडिशनल एक्सेसरी के तौर पर आप लगवा सकते हैं फेस लिफ्ट के साथ। यहाँ पर ट्राई डिज़ाइन क्रोम आ गया था जो पहले नहीं आता था। नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर डिज़ाइन है, जो स्प्लिटर्स हैं इसके एजेस निकले हुए हैं। होंडा सिटी से थोड़ा बहुत ही मिलता जुलता डिज़ाइन लैंग्वेज है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, सबसे पहले व्हील्स पे आते हैं तो यहाँ पर आपको व्हील कैप मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट में नहीं आएगा जो कि इस वेरिएंट में आ जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात करें, 14 इंच का इसका चक्का है। टायर जो है इसकी चौड़ाई, जैसे मारुति क्या करता है काफ़ी पतले टायर्स दे देता है, वहाँ होंडा यहाँ पर वो कमी नहीं करता। तो टायर की जो चौड़ाई है ये भी काफ़ी अच्छी है। अगर अपन इसकी प्रोफाइल एग्जैक्ट की बात करें, 175/65/14, तो 165 सेक्शन के टायर्स हैं। मारुति में आपने नोटिस किया वो 150/155 रहता है, तो थोड़े से इससे पतले होते हैं, तो चौड़े टायर से ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है। दूसरी चीज़, इसकी जो सस्पेंशन ट्रैवल है सेडान के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। फुल लोड के बाद भी गाड़ी जो है नीचे से लगती नहीं है। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ नोटिस करेंगे एस वेरिएंट में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स एंड बॉडी कलर डोर मिरर्स मिल जाता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर आ जाते हैं। स्पेस की अंदर चल के बात करेंगे, रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोफाइल के टायर्स आ जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आएगा, पीछे आपको आ जाएगा यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स। एंड इंटीरियर की पहले बात करते हैं, फिर आपको बूट दिखाऊंगा। सो, ये जो अभी आगे वाली सीट है ये ऑल द वे बैक पुश की गई है। लगभग 6 फीट का आदमी अगर आगे बैठेगा तो पीछे भी 6 फीट का आदमी आराम से बैठ सकता है। सीट की आप कम्फर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर थाई सपोर्ट कितना अच्छा मिल रहा है। स्पेशली एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो सीट बैक का रिक्लाइन एंगल है ये काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर शोफर ड्रिवन पसंद करते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चलाएगा मैं पीछे बैठूंगा, तो ये सीट काफ़ी आरामदायक रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नी रूम जोरदार है, लेग रूम भी बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स। सीट का रिक्लाइन क्योंकि बहुत अच्छा है तो काफ़ी कम्फर्टेबल रहने वाली है। एंड यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं, 2 बड़े 1 बच्चा, तो काफ़ी कम्फर्टेबली बैठ जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं साइड पैसेंजर्स के लिए, बीच वाले को एक लैप बेल्ट मिलता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक केबिन लैंप मिल जाता है येलो लाइट्स के साथ। हेडरूम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच आपका नहीं होगा सर, तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। साइड में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो जो सीट का जो बैक है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बोल्स्टर्स कितने अच्छे हैं, यहाँ एकदम एच तक दिए गए हैं। तो अगर आप बिल्ड काफ़ी आपकी अगर अच्छी है, चौड़े हैं या आप हेल्दी हैं, तो भी ये साइड सपोर्ट आपको रहेगा। यहाँ पर मेटल आपको चुभेगा नहीं क्योंकि यहाँ पूरी सीट एक्सटेंड की गई है साइड तक। इसके बाद अब आगे वाली सीट दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर कितना अच्छा स्पेस है। सो अभी हम आ चुके हैं इसके फ्रंट रो में। सो ये वाली सीट जो है ये 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा जगह है, तो काफ़ी आराम से यहाँ पर लंबे लोग भी बैठ सकते हैं। एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो होंडा की काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग है सिटी में और अमेज में, आप देखेंगे ये जो फ्लोर बोर्ड है ये ऐसा ऊपर की तरफ रेस किया गया है, तो जब आप लॉन्ग ड्राइव्स में चलते हैं तो ये एक तरह से आपका फुट रेस्ट का काम करता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रिक्लाइनर चेयर में बैठे, तो कम्फर्ट की यहाँ पर होंडा काफ़ी इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग कहूँगा मैं, जो यहाँ पर इसने बनाया है ये सामने से फ्लोर बोर्ड ऊपर करके।
बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो फेसलिफ्ट के साथ यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट्स आ गए थे। आज की डेट में भी ये डैशबोर्ड जो है पुराना नहीं लगता कहीं से भी। ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, प्रैक्टिकल इनफ। एस वेरिएंट की जो हम बात कर रहे थे तो इसकी खासियत क्या है, इसमें आपको कंपनी बिल्ड इनबिल्ट आपको म्यूजिक सिस्टम आ जाता है ब्लूटूथ एंड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ। तो ये जो सिस्टम है ये टच स्क्रीन नहीं है, छोटा डिस्प्ले, लेकिन चार स्पीकर इसमें आ जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, FM कनेक्टिविटी एंड साथ ही साथ स्टेयरिंग में इसके ऑडियो के कंट्रोल्स आ जाते हैं। एसी की बात करें तो मैनुअल एसी है। एसी की कूलिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसका जो एसी है काफ़ी पावरफुल है, होंडा सिटी के लगभग बराबर की कूलिंग ये कर देता है। नीचे यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल्स हैं सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलफोन रखने के लिए स्लॉट दिया गया है, मैं एक बार आपको रख के भी दिखाता हूँ। सो ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग है। यहाँ पर ही आपको पावर आउटलेट दे दिया है दोनों। सो USB चार्ज एंड 12 वोल्ट का सॉकेट, ताकि आप यहीं से चार्जर प्लग इन करके रख सकें। दो यहाँ का कप होल्डर्स आ जाते हैं। पीछे एक छोटा सा कभी स्पेस है हैंड ब्रेक के नीचे, एंड यहाँ पर भी एक आपको कप होल्डर मिल जाता है। पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है रियर पैसेंजर्स के लिए। ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स सिल्वर सराउंड के साथ। तो बेस वेरियंट वाली फील कहीं पर भी नहीं है क्योंकि हर जगह पर सिल्वर यूज किया गया है। तो 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1200 cc का इंजन है। आगे चल के आपको इंजन की भी सारी स्पेसिफिकेशन और डिटेल बताऊंगा। ये इसका कुछ स्टेयरिंग व्हील है, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी स्पोर्टी। यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट्स हैं एंड जो स्टेयरिंग व्हील है ये आपका एडजस्टेबल है हाइट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो जो ड्राइवर की सीट है ये भी आपकी हाइट एडजस्टेबल है, तो यहाँ से आप इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है, शोल्डर रूम बहुत अच्छा है। तो दो अच्छे बिल्ड वाले बंदे बैठेंगे, शोल्डर्स आपके टच नहीं होंगे। हेडरूम आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा है। एंड कंट्रोल्स अगर मैं दिखाऊं आपको, ड्राइवर साइड डोर कंट्रोल्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, पावर आपको फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं, ऑल्सो एडजस्टेबल भी है ये सेंट्रल लॉकिंग के साथ। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन। एंड चाबी की अगर हम बात करें तो एक जो चाबी है इसमें आपको बटन्स मिल जाएंगे सेंट्रल लॉक वाली, और जो दूसरी चाबी है वो आपकी मैनुअल रेगुलर की रहती है विदाउट बटन्स। कुछ इस तरीके का आपका ड्राइवर्स डिस्प्ले है इस पर। एक साइड आपको मैनुअल टैकोमीटर आ जाता है, एक साइड मैनुअल स्पीडो आ जाता है। बाकी जो सारी आपकी काम की इन्फॉर्मेशन है जो जो चाहिए वो आप यहाँ पर ये जो टॉगल स्विच दिया है इसको दबा के ऑपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ आप बीच में जो डिस्प्ले यहाँ देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ऑल्सो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, जब गाड़ी चालू रहती है तो यहाँ नीचे डिस्प्ले करता है। तो ये सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब पहले आपको एक बार बूट दिखाता हूँ इसका, एंड इसके बाद अपन इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। सो ये होंडा अमेज का बूट, सब कॉम्पैक्ट सिडान में सबसे ज्यादा स्पेशियस इसका बूट रहेगा। डिस्प्ले पे आपको इसके नंबर्स मिल रहे होंगे। स्पेस आप देख सकते हैं चौड़ाई में काफी अच्छी है क्योंकि ये जो स्कूप्ड आउट यहाँ पे स्पेस निकाली गई है जिससे आप मोर देन इनफ बैग्स रख सकते हैं आपकी वीकेंड आउटिंग के लिए। नीचे इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, सो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी स्पेस देता है। एंड इंसुलेशन की बात करें तो होंडा यहाँ पर भी कहीं से कॉस्ट कटिंग नहीं किया। आप दूसरी गाड़ियों में देखे होंगे यहाँ पर ये जो इंसुलेशन पैड नहीं रहता है जिसकी वजह से वायर्स विजिबल रहते हैं, तो ये भी एक एक तरह से प्रीमियम फील देता है। अमेज का रियर एंड की अगर हम बात करें, फेस लिफ्ट के साथ यहाँ पर आपको LED ब्रेक लाइट्स आ गई थी, मैं एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये विद द फेस लिफ्ट, ये ऐसा प्रीमियम सी शेप आपको ब्रेक लैंप मिल जाते हैं ऑल द वे एक्सटेंडेड। क्रोम में अमेज की बैजिंग है, हेलोजन है आपको रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर्स, बीच में होंडा का बड़ा सा लोगो, एंड ये होंडा की लेजेंडरी टेक्नोलॉजी iVTEC, जिसकी वजह से इसका जो पेट्रोल इंजन है बहुत ज़्यादा स्मूथ, एंड इसकी जो पावर बैंड है अगर आप वो देखोगे काफ़ी स्मूथली रेव करता है एंड काफ़ी अच्छी पावर बनाता है। नीचे आपको एस वेरियंट में क्रोम मिल जाता है, नीचे आप इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं। अब मेन बात करते हैं इसके इंजन की, इसमें आता है एक 1200 सीसी का 4 सिलेंडर काफी स्मूथ पेट्रोल इंजन। परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में, रिलायबिलिटी में कोई कंप्लेंट नहीं होगी आपको इस इंजन से, जस्ट बिकॉज होंडा जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो 89 हॉर्स पावर एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, तो अपने सेगमेंट के सारे लगभग इंजन्स इतना ही बनाते हैं। तो पावर में, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होगी। इसकी जो खासियत है, आप हाईवे में जब 80, 90, 100 पे क्रूज़ करेंगे तो
तो इंजन इतना साइलेंट रहता है कि कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है ऑफ, जस्ट बिकॉज अंदर केबिन के अंदर इसकी कोई भी साउंड नहीं आती, काफ़ी स्मूथ है। एंड इसके साथ एक आप ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं जो इसके टॉप वेरियंट्स में आएगा, नीचे ये वेरियंट है इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं आता है। सो ये था आपके लिए होंडा अमेज का एस वेरियंट का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने बात कर ली है इसके इंजन की, सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। इंटीरियर में आपको मैंने इसका स्पेस दिखा दिया, ये इसका गोल्डन ब्राउन मेटालिक है। प्राइस के हिसाब से जो मैं बात कर रहा था कंक्लूजन की, अगर हम बात करें 9.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड, जो सारे जरूरत के फीचर्स हैं, सारी नीड वाले फीचर्स इसमें आपको आ जाते हैं, इस प्राइस में सब कॉम्पैक्ट सेडान में ऐसी कम्फर्ट, ऐसी प्रीमियम टाइप का इंटीरियर जो होंडा जिसके लिए जाना जाता है, आपको और कोई कंपनी ऑफर नहीं करेगी। सो वीडियो से रिलेटेड या गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं @mohitbalani25। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मोहित बलानी साइनिंग ऑफ।